साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। गुजरात चुनाव में वोट डालने के बाद पीएम मोदी ने चुनाव आयोग को दिया धन्यवाद। बोले, लोकतंत्र के इस उत्सव के लिए मतदाताओं को भी बधाई दी। कर्नाटक सीएम बोले, राहुल को आरएसएस की जानकारी नहीं। मुंबई ने कहा, संघ में दुर्गा सेना। राहुल ने कहा था, बीजेपी में महिला विंग नहीं। बंगालियों पर परेश का बयान, ममता के भतीजे का तंज। अभिषेक बनर्जी बोले, बीजेपी नेता सुवेंदु ने विरोध किया तो ईडी सीबीआई नोटिस भेज देगी। सिंगुर परियोजना के खिलाफ 26 दिन के अनशन को ममता ने किया याद। बोली, वही लड़ाई मुझ में अभी भी जिंदा है। भारत जोड़ो यात्रा में विवाद के कचरे पर कालीन बिछाए, गहलोत और पायलट ने हाथ पकड़ कर किया डांस। राहुल गांधी का छलका दर्द बताया, कैसी मीडिया कवरेज प्रशंसा से लेकर बदल गई निजी हमले में। गुजरात चुनाव खत्म होने से पहले बीजेपी की नई तैयारी, राजस्थान एमपी सीजी चुनाव के लिए 2 दिवसीय बैठक आज से। पीओके को वापस लेने का समय है, पाक सेना प्रमुख के बयान पर कांग्रेस नेता हरीश रावत। सुकांत मजुमदार ने टीएमसी सरकार को दी चेतावनी, बोले अभिषेक बनर्जी टीएमसी सरकार को गिरने से नहीं बचा पाएंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए ललन सिंह का चुनाव जाना तय, 10 दिसंबर को लगेगी मुहर। गुजरात चुनाव का दूसरा फेज, वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह। रानीप के निशान पब्लिक स्कूल में पीएम मोदी ने किया मतदान। मतदान से ठीक पहले कांग्रेस उम्मीदवार कांति खराड़ी पर हमला, बीजेपी पर लगा आरोप। राहुल गांधी बोले, भारत जोड़ो यात्रा को मध्य प्रदेश में जबरदस्त समर्थन मिला, शिवराज सरकार पर साधा निशाना। अहमदाबाद जामा मस्जिद के शाही इमाम के बिगड़े बोल, शब्बीर अहमद ने कहा, मुस्लिम महिलाओं को टिकट देना इस्लाम के खिलाफ। गैंगस्टर राजू ठेठ मर्डर के बाद सीकर में हंगामा, कलेक्टर एसपी को हटाने की मांग। सड़क पर उतरे लोग, पुलिस ने 5 आरोपी पकड़े। रामपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने डाला वोट, बोले फरेब करके कोई बदलाव नहीं ला सकता। विदेशों से नोएडा आएगा 1 लाख करोड़ का निवेश, सिंगापुर सिडनी और ब्राजील जाएगा डेलीगेशन, 10 दिन होगी कंपनियों के सीईओ से बातचीत। साधु संत राजनीति में आने की बात न करें, निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर बोले, आफताब जैसे को फांसी से बढ़कर सजा मिले। रामपुर में एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे सपा प्रत्याशी आसिम रजा, बोले सेना की देखरेख में हो चुनाव।
गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए घर में लूटपाट की। मेरठ में बेटे ने दोस्तों संग मां को बंधक बनाया, 14 लाख कैश और गहने लूटे। छात्रा से छेड़खानी, विरोध पर तेजाब फेंकने की धमकी, डरी सैमी छात्रा ने स्कूल छोड़ा, डीएम के पास फरियाद लेकर पहुंची छात्रा की मां। यूट्यूब से ट्रेनिंग लेकर बनाने लगे तमंचे, मेरठ में निकाय चुनाव से पहले पुलिस ने पकड़ी तमंचे बनाने की फैक्ट्री, 2 गिरफ्तार। सोनभद्र में हाई टेंशन लाइन टूटकर गिरी महिला की मौत, गुस्साए परिजनों ने सड़क जाम की। एसएसपी की मीटिंग, पुलिस मातादों के छूटे पसीने, बेहतर पुलिसिंग और जनता के संवाद स्थापित करने के लिए सख्त निर्देश दिए। माफिया संजय सिंगला की अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर, बाराबंकी में गैंगस्टर की भी हो चुकी है कार्रवाई, तालाब पर किया गया था अवैध कब्जा। बरेली में 25 साल के शिक्षक की हार्ट अटैक से मौत, निजी स्कूल में प्रार्थना के समय शिक्षक की बिगड़ी थी हालत। बिजनौर की सड़कों पर नहीं चलेगी बिना रजिस्ट्रेशन के ई रिक्शा, एसपी ने 5 दिन का दिया रजिस्ट्रेशन कराने का समय, फिर भी चौदह दिसंबर को अयोध्या पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा, 15 को अयोध्या सिटी होकर अयोध्या धाम पहुंचेगी, प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी कर रहे नेतृत्व। सुल्तानपुर में बर्तन की दुकान पर टप्पेबाजी, टहलता हुआ पहुंचा टप्पेबाज, इंडक्शन चूल्हा लेकर चलता बना, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बलिया में नगर पंचायत मनियर में लगे कूड़े का ढेर, सड़क के टूटी नालियां चौक, बीते 5 सालों में सभासद और विकास न कराने का आरोप। चंदौली में निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज, गौतम नगर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव, पानी पीने के लिए लोगों को करना पड़ रहा है संघर्ष। कूड़े का ढेर बने स्मार्ट कूड़ा घर, स्मार्ट सिटी से बने ट्रांसफर स्टेशन में लौट रहे सुअर, 1 साल से कॉम्पैक्टर पड़े खराब। गांव में कस्तूरबा स्कूलों में वित्तीय अनियमितता का खुलासा, डीएम के दबाव में हो रहे थे काम, क्षेत्र पंचायत से प्रति विद्यालय खर्च किए गए 25 से 30 लाख रुपए। अंबेडकर नगर में हर्ष फायरिंग, युवक के पैर में लगी गोली, लखनऊ रेफर, अकबरपुर थाने से 200 मीटर दूर शिवाय लॉन में था वैवाहिक कार्यक्रम। रामपुर खतौली विधानसभा सीट पर मतदान, अखिलेश बोले चुनाव आयोग आंख मूंद कर बैठा है, रामपुर में पुलिस मतदाताओं पर लाठी बरसा रही है। दसवीं की छात्रा से गैंगरेप के 3 आरोपी गिरफ्तार, कांट में स्कूल जाते वक्त 4 युवकों ने अगवा कर किया था गैंगरेप, छात्रा की हालत नाजुक। दस हजार के झगड़े में दौड़ा दौड़ा कर पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर नवाबगंज पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, अब तलाश में छापेमारी। रायबरेली में दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट, एक ही परिवार को घंटों लाठियों से पीटा, 2 की हालत नाजुक, पुलिस कर रही है जांच। पीएचयू के हिंदी विभाग में पूर्व छात्रों ने जड़ा ताला, शोध प्रवेश परीक्षा में लगाए अनियमितता का आरोप, डिपार्टमेंट के अन्य स्टूडेंट्स की पढ़ाई बाधित। बलिया में एक्सल टूटने से अनियंत्रित होकर पलटी बस, हादसे में 13 लोग घायल, चालक और परिचालक जिला अस्पताल रेफर।
समावेश। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा 14 दिन का शेड्यूल जारी। गौतम बुद्ध नगर से शुरू होकर यात्रा रामपुर तक जाएगी। लखनऊ डीसीपी पश्चिमी, एडीसीपी चिरंजीव नाथ और एसपी आईपी सिंह ने घरों में घुसकर बंधक बनाकर लूट करने वाले लुटेरों को किया गिरफ्तार। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा। मथुरा में सब्जियों से भरे डीसीएम की खड़े ट्रक से हुई टक्कर, 3 की हालत गंभीर। मेरठ में 10वीं की छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोस्तों ने ही मामूली विवाद में दिया अंजाम। चाचा और नाना बचाने का करते रहे प्रयास। पानी निकासी न होने पर पलायन का पोस्टर चस्पा। सहारनपुर के लोग बोले, जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक नहीं डालेंगे वोट। उत्तराखंड के रामनगर में रात में एक साथ खाना खा रहे थे दोस्त, हुआ विवाद तो एक को तार से गला घोट कर उतारा मौत के घाट। उत्तराखंड के द्रौपदी का डांडा हिमस्खलन की घटना का आपदा में शामिल। मारे गए 29 पर्वतारोही, 2 लापता। उत्तराखंड के हरिद्वार में खतरनाक पिटबुल डॉग ने 9 साल के बच्चे को किया लहू लुहान। हाथ व पेट पर कई जगह नोच खाया। केदारनाथ और बद्रीनाथ की तरह उत्तराखंड के मंदिरों का भी होगा कायाकल्प, बनेगा मास्टर प्लान, बोले संस्कृत मंत्री सतपाल महाराज। उत्तराखंड में कांग्रेस में भाजपा की सेंधमारी, बड़ी संख्या में हरिद्वार के कांग्रेसियों ने थामा दामन। उत्तराखंड में नशीली कॉफी पिलाकर बिजनेस पार्टनर युवती से सामूहिक दुष्कर्म, 2 भाइयों सहित 3 पर मुकदमा। उत्तराखंड में आरोपित विनीत अरोड़ा की पत्नी भी गिरफ्तार, दोनों पर हत्या का मुकदमा, बेसबॉल बैट बरामद। वंदरा प्रकरण में 3 आरोपित का होगा नॉर्को टेस्ट, 10 दिन के अंदर दाखिल होगा आरोप पत्र। उत्तराखंड में घिंगराड़ सड़क पर बोलेरो वाहन दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 2 सवारियों की मौत, 3 घायल। उत्तराखंड में प्रदर्शन के बाद राजभवन और सीएम आवास का सुरक्षा घेरा किया मजबूत, आसपास धारा 144 लागू। उत्तराखंड के धारचूला में मजदूरों पर नेपाल की ओर से पथराव, बंद कराया झूला पुल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। देहरादून में आईएसबीटी से मालदेवता और सहसपुर के लिए इलेक्ट्रिक बसें शुरू, सीएम धामी ने खुद सफर किया। उत्तराखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक में बैग में पैक नहीं होगा बाबा केदार का प्रसार, पैकेट पर लगेगा क्यूआर कोड। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का ऐलान, भाजपा विधायकों का भी होगा चिंतन शिविर, जल्द घोषित होगी तिथि। समान नागरिक संहिता पर सीएम धामी का बयान, बोले 6 महीने पहले आ जाएगा यूसीसी ड्राफ्ट, हो रहे हैं तैयार। ईरान में प्रदर्शनकारियों के सामने झुकी सरकार, मोरालिटी पुलिस को भंग करने का बड़ा फैसला।
जर्मनी वीसा नियम बदलेगा, भारतीयों को ज्यादा मौके मिलेंगे। अमेरिका में नौकरियों में कटौती के बीच बंधी उम्मीद। इंडोनेशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट सेमुरु फटा, 8 किलोमीटर दूर तक बाहर लावा, धुआं इतना कि लाइट जलानी पड़ी। इमरान खान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल बाजवा पर आरोप, पीटीआई की सरकार गिराने के लिए खेला डबल गेम। आईएसआईएस ने काबुल में पाकिस्तान दूतावास पर हमले की जिम्मेदारी ली, एक सुरक्षाकर्मी हुआ था जख्मी। नाइजीरिया के मस्जिद में कुछ हमलावरों ने गोलीबारी कर दी, इमाम समेत 12 की मौत, अभी भी कुछ बंधक बने हुए हैं। सीढ़ियों से फिसले रूस के राष्ट्रपति, मॉस्को में अपने घर में गिरे पुतिन, कैंसर से पीड़ित होने के दावे ने जोर पकड़ा। कोरियाई युवकों को फिल्म देखने से भड़का तानाशाह, किम जोन सरेआम गोलियों से भुनवाया। कनाडा में इच्छा मृत्यु बनी मुसीबत, एक साल में 10,000 लोगों ने की आत्महत्या, मार्च 2023 से मानसिक बीमारों की भी इसकी कानूनी इजाजत। बीस का चुनाव सबसे बड़ा धोखा था, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संविधान भंग करने की मांग की। शुरू हुई आरबीआई की बैठक, ब्याज दर बढ़ाने का हो सकता है ऐलान, इस साल अब तक 1.90% की बढ़ोतरी हुई। $60 कैंप को मनाने से रूस का इनकार, रूस ने कहा हमें इसे नहीं मानेंगे। भारत के सेवा क्षेत्र के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि, नवंबर में 3 महीने के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचा। प्रवासी कामगारों ने भारत में भेजा सबसे ज्यादा पैसा, पहली बार किसी देश का रेमिटेंस $100 अरब। रिफंड समायोजन पर कर अधिकारियों को अब तक 21 दिन में करना होगा फैसला, विभाग ने करदाताओं को दी राहत। मुकेश अंबानी ने युवाओं को दिया संदेश, बोले 4G और 5G से बढ़कर है माताजी पिताजी, मन को छू लेगा। मुकेश अंबानी का युवाओं को दिया गया संदेश। एयर इंडिया के रिबॉन्डिंग की तैयारी, लंदन की कंसल्टेंसी फ्यूचर ब्रांड डिजाइन कंसल्टेंसी को सौंपा जा सकता है जिम्मा। पारिक समिति ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट, गैस की कीमत तय करने के लिए कंपनियों को खुली छूट देने की सिफारिश। मारुति सुजुकी की नवंबर 2022 सेल्स कंपनी ने नवंबर महीने में करीब 1.60 लाख गाड़ियां बेची, सेल्स ने 14% का उछाल किया। मस्क और एप्पल में टेंशन बढ़ी, मस्क बोले ट्विटर ऐप को iOS स्टोर से हटाने की धमकी। दसवीं बार फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड सेनेगल को 3-0 से हराया, अब मुकाबला फ्रांस से। वर्ल्ड कप से कतर के पर्यटन में बूम, पड़ोसी देशों में 200% तक बढ़ा, 2030 तक हर साल 60 लाख पर्यटक आएंगे।
रोहित शर्मा ने खोया आपा कैच छोड़ने को लेकर केएल राहुल वॉशिंगटन सुंदर पर भड़के। क्वार्टर फाइनल की रेस में ब्राजील के सामने होगी दक्षिण कोरिया की चुनौती, नेमार कर सकते हैं वापसी। संजू सैमसन पर दिनेश कार्तिक का बयान, कहा इस खिलाड़ी को काफी कम मौके मिले, संजू सैमसन मेरे फेवरेट खिलाड़ियों में से एक है। आखिरी ओवर्स में खराब फील्डिंग से हारी टीम इंडिया, हिट विकेट हुए इबादत, विराट का शानदार कैच। पंत के सवाल पर बोली केएल राहुल, टीम मैनेजमेंट ने मुझे वनडे में मिडिल ऑर्डर में बैटिंग विकेट कीपिंग के लिए तैयार रहने को कहा। जीता हुआ मैच हारी टीम इंडिया, केएल राहुल ने मेहंदी हसन का आसान कैच छोड़ा, आखिरी विकेट में 54 रन की पार्टनरशिप। क्वार्टर फाइनल में पहुंचा फ्रांस, पोलैंड को एक तरफा मुकाबले में हराए, किलियन एम्बाम्पे ने दागे दो गोल। एशियन जूनियर चैंपियनशिप, उन्नति शर्मा ने जीता अंडर 17 कैटेगरी में भारत का पहला सिल्वर मेडल। मिर्जापुर 3 की शूटिंग हुई पूरी, अली फजल ने लिखा इमोशनल नोट, बोले इस सीजन का सफर मेरे लिए बहुत ही अलग और शानदार रहा है। जयपुर में एक दूजे के हुए एक्ट्रेस हंसिका और सोहेल, मुंडोता फोर्ट में बरमाला पहनाई, फेरी लेने के बाद भरी मांग। पलक तिवारी ने कराया ग्लैमरस फोटोशूट, शेयर किया बीटीएस वीडियो, फैंस बोली ये तो मम्मी से भी ज्यादा स्टाइलिश है। फिल्म निर्माता नितिन मनमोहन को आया हार्ट अटैक, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस पर बोले दिलजीत दोसांझ, ये पूरी तरह से सरकार की नालायकी है। जिम के बाहर स्पॉट हुई जानवी कपूर, पेपरोजी ने मांगी नए घर की पार्टी, बोली सीक्रेट था, आप सभी ने फंडा फोड़ दिया। एक्ट्रेसेस का नाम लेते वक्त करीना को भूले सैफ, बीच इंटरव्यू में करीना ने रोकते हुए कहा कि अपनी वाइफ को भूल गए। रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट हुई मलाइका अरोड़ा, व्हाइट टॉप और ब्लैक ब्लेजर में दिखा क्लासी लुक। बाहुबली फेम राडा दगुबाती का सामान फ्लाइट से गायब, एयरलाइन पर निकला गुस्सा, कहा इससे बुरा एक्सपीरियंस कुछ नहीं हो सकता। सऊदी अरब से वापस लौटे शाहरुख खान, मुंबई एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट, पठान के साथ की देख फैंस हुए सरप्राइज। शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।